छोटे बच्चों से लेकर के यंग जनरेशन तक जितने भी एज ग्रुप के लोग आते हैं, वो सारे के सारे जितने भी बच्चे से लेकर के बड़े, उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाले अगर कोई फास्ट फूड की आइटम पूछेंगे तो सबसे पहले उसमें आता है नूडल्स। तो बाज़ार में जितने भी नूडल्स मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा नूडल्स आपकी मैदा का बना हुआ होता है। तो इसीलिए पतंजलि ने एक सुस्त विकल्प आपको दिया है, ये है आटा वाला नूडल्स। तो आप जितने नूडल्स ये देख रहे हैं, ये सब आटा के नूडल्स है। पतंजलि एक स्वदेशी की कंपनी है, अब तो विदेशी कंपनी जो भी है वो भी सब धीरे धीरे पतंजलि को देखते हुए आटा नूडल्स बेचना शुरू कर दिए हैं। लेकिन पतंजलि की जितने भी वेराइटी है, सारे के सारे नूडल्स आपका आटा का मिलेगा। और पतंजलि की अगर बात करेंगे तो 5 तरह का नूडल्स पतंजलि का है। पहले वाला ये आप जो देख रहे हैं, ये है पतंजलि का देसी नूडल्स। ये पतंजलि का बिना ओनियन गार्लिक, बिना प्याज और लहसुन वाला का नूडल्स है। ये 10 रुपया, ये लगभग 60 ग्राम रहता है इसमें, और ये 10 रुपया वाला नूडल्स है देसी मसाला। उसके साथ ही अगर आप बात करेंगे तो ये है पतंजलि का भेजे नूडल्स, ये भी 60 ग्राम का आता है और ये रहता है 12 रुपये का, ये भेजे नूडल्स। इसके साथ ही आप अगर देखेंगे, ये है यम्मी मसाला, यम्मी मसाला भी ये 60 ग्राम को, ये भी 10 रुपये वाला नूडल्स है। यम्मी मसाला ये बहुत टेस्टी होता है। और ये क्लासिक नूडल्स, ये भी 60 ग्राम को 10 रुपया। इसके साथ ही और एक पैकेट आता है छोटा वाला, जो मेरे पास नहीं है, वो होता है चटपटा नूडल्स, वो जिनको तीखा पसंद है उनके लिए, वो भी 60 ग्राम को 10 रुपया। और ये फैमिली वाला पैक, दो फैमिली वाला पैक आता है, ये है क्लासिक का फैमिली वाला पैक, इसमें लगभग 240 ग्राम का रहता है। और ये 10 रुपये वाला 4 पीस रहता है। इसका प्राइस जो 4 रुपये वाला प्राइस है इसका, आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये भी आपका 40 रुपये में ये फैमिली वाला पैक क्लासिक का मिल जाएगा। इसके साथ ही ये चटपटा वाला भी है, चटपटा का फैमिली वाला पैक, जो कि मेरे पास अब नहीं है। इसके साथ पतंजलि ने आपको 2 तरह का ये कप वाला नूडल्स देता है, एक है यम्मी मसाला मतलब इसका, और एक है चटपटा का, जो जिसका छोटा पैक मेरे पास नहीं है। लेकिन ये जो कप नूडल्स देख रहे हैं आप, ये लगभग 70 ग्राम का है और इसका प्राइस 40 रुपये है। ये ज़्यादा महंगा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे तो ये बन जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ये कप वाला नूडल्स की रेसिपी बन के दिखा बता के दिखाऊंगा किस तरह से हम आपको ये, आप अगर ये यम्मी मसाला वाला या चटपटा वाला कोई भी, आप अगर ये कप नूडल्स खाना चाहते हो तो कैसे आप बनाएंगे, ये आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो पहले हम इसको खाने से पहले, इसका एक पैकेट रहता है, हम उस पैकेट को पहले और ओपन कर लेंगे। पैकेट को खोलने के बाद एक ये जो सील होता है, ये सील को पूरा तरह से ना उठा के थोड़ा सा उठा के रखें, और गर्म पानी, तेज़ गर्म पानी अपने पास रखें। तो अभी हम इसका ऊपर वाला जो सील वाला जो, उसको रिमूव कर लेते हैं। और रिमूव करने के बाद इसका ऊपर जो सील होता है, मैंने इसको पूरा नहीं ओपन करूँगा, बस थोड़ा सा ही इसको ओपन करूँगा। और ये आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर पूरा नूडल्स भरा पड़ा है, बहुत अच्छा टेस्ट भी है। और इसके साथ ही एक चम्मच आता है, ये चम्मच में आप नूडल्स अच्छे तरह से खा सकते हो। ये जो चम्मच आप देख रहे हैं, इसको आप इस तरह लॉक कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, आप इसको इस तरह कर देंगे तो ये अनफोल्ड होकर रह जाता है। तो खाने के टाइम इसको ऐसे है लॉक करना है, तो आप आसानी से इसके अंदर से नूडल्स खा सकते हैं। पैकेजिंग तो बहुत अच्छा है। अब इसको कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। तो पूरा तेज़ गर्म पानी आपको लाना है। और एक बात आपको दिखाना चाहूँगा, तो इसको इस तरह से रखना है जैसे कि हमारा ये सील हो सके अच्छे से। और यहाँ पे जो लेबलिंग दिया हुआ है जो नूडल्स के पैकेट में, ये आपको बोलता है कि इतने तक का आपको गर्म पानी लेना है। आप थोड़ा कम भी लेंगे तो भी चलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सील को थोड़ा सा ओपन करेंगे। और थोड़ा सा ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे तेज़ गर्म पानी लिया हूँ एक थर्मोफ्लास्क में, आप चाहे तो तुरंत ही ले सकते हो, लेकिन ये वीडियो बनाने की था तो मैंने ये पहले से गर्म पानी यहाँ से रखा हुआ था। तो आप इस तरह, ये गर्म पानी, ये भी गर्म है, तो ये गर्म पानी को हम इसके अंदर डाल देंगे। ज़्यादा आप गर्म पानी देंगे तो ये क्या होता है, अभी से तो ये खुशबू आने लग गया है इसका, तो आप इतने तक ही गर्म पानी लें, ज़्यादा गर्म पानी ना दें। देख सकते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी देके इसके ऊपर को जिस तरह से वो सील हो गया था, उसको ऐसे सील करने का रखते हैं। ये थोड़ा सा खुल गया था हमारा, तो इस तरह से इसको हम ढक करके
बंद करके रख देते हैं, 3-4 मिनट तक इसको ऐसे ही ढक करके रख देना है। तो ये अंदर ही अंदर आपका नूडल्स जो है वो बन जाता है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये हो जाने के बाद किस तरह से टेस्ट आता है और किस तरह से हम इसको खाएंगे। तो ये जो नूडल्स मैंने कुछ देर तक रखा था ये लगभग 90% का हो चुका है। तो मैं आपको अगर ये दिखाऊं तो नूडल्स जो था ये गर्म पानी में ज़्यादा फूल चुका है, और अभी थोड़ा हम इसे ऊपर नीचे कर लेंगे क्योंकि इसमें मसाला ज़्यादा होता है नीचे, तो मसाला लग के रहता है, तो उसको हम ज़रा ऊपर नीचे कर लेंगे। और ऊपर नीचे करने के बाद ये बहुत गर्म अभी भी है, तो इसको और थोड़ी देर इसको इसे मिक्स करने के बाद, ये तो लगभग हो गया है पूरा नूडल्स, इसको अभी और आधा से लेके 1 मिनट और उसको रख देंगे, फिर इसको खा के टेस्ट करेंगे कि ये कैसे बना है। अभी लगभग आधा से 1 मिनट हो गया है, तो अब हम इसको ओपन करते हैं और ये हमारा नूडल्स पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। ये अब अगर देखेंगे तो नूडल्स पूरा अच्छे तरीके से बन गया है और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। मैं खुद टेस्ट करूँगा इसे, ये भी टेस्ट किया हूँ मैं पहली बार, ये बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और खाने के बाद ये जो पानी होता है ये मसाला वाला पानी, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो आप अगर तुरंत कभी निकलना हो कोई स्कूल कॉलेज के लिए और कोई जॉब के लिए निकलना हो और खाना बना नहीं है, तो 2-3 मिनट बस 3-4 मिनट इस ये कप नूडल्स लेके इसमें आधा पानी डालना है, और पानी डालने के बाद इसको ऐसे ही खा के निकल सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा इसका जो स्पून दिया गया है इसको आप देखेंगे तो ये इस तरह से फोल्ड भी होता है और इसे लॉक भी हो जाता है, तो आप आराम से इसको ले करके खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा वाला टेस्ट है, और खाने के बाद अगर ये पानी पियेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो मैं तो ये टेस्ट करूँगा आप ये नूडल्स, आपको और थोड़ी कुछ चीज़ें बात बताना देता हूँ। ये जो नूडल्स आप देख रहे हैं, जितने भी सारे नूडल्स आप देख रहे हैं ये सब आटे के नूडल्स है, और आटे में जो हमको जो मतलब जो शक्ति आटे में है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट में अच्छा लगने वाला खा लेते हैं हम नूडल्स मैदा की। तो मैदा की में इतना हमारा वो इतना अच्छा भी नहीं है हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन हम ये अनहेल्दी चीज़ें क्यों खाएं, इसलिए पतंजलि ने आटा वाला नूडल्स लॉन्च किया है। सारे के सारे नूडल्स आटा वाला है। दूसरी चीज़ है, जितने भी नूडल्स बेचने वाली कंपनी है, कोई 2 रुपये वाला 2 मिनट वाला अपना प्रमोट करके अपना नूडल बेच रहा है, ये सारे के सारे विदेशी कंपनियाँ हैं। तो हम स्वदेशी को ही खरीदें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पतंजलि ने जो पहल किया है। अभी तो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात की, लेकिन पतंजलि ने पहले से ही स्वदेशी के नाम पर अपना जो भी प्रोडक्ट्स है उसको बाज़ार में लोगों के पास लेके आया। लोगों के अच्छी सेहत के लिए पतंजलि ने जितना भी प्रयास किया हो, आंवला जूस आलोवेरा जूस से लेकर के अगर खाना में भी हो तो ये नूडल्स दिया है। और एक दिन आपको कुछ और खाने के बारे में बताएंगे, जैसे कि पतंजलि का जितने भी बिस्कुट होता है वो सब नूडल्स के जो आटा में बना हुआ होता है, तो पतंजलि बिस्कुट के बारे में और एक वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोग ऐसे ही अपने घर में ये नूडल्स लेके आए, नूडल्स बनाए, और ये थोड़ा महंगा वाला है 40 रुपये वाला, तो ये इमरजेंसी में है, तो इमरजेंसी में कप नूडल्स ले, और जितने भी आपके घर के पास में जितने भी स्टोर्स है, आप अगर इतना सारा प्रोडक्ट्स ना पाते हो जो भी पतंजलि का नूडल्स आता है ले, नहीं तो पतंजलि की चिकित्सालय आरोग्य केंद्र और मेगा स्टोर में ये सारे के सारे नूडल्स की रेंज आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से ये पतंजलि के नूडल्स लें और हेल्दी खाना खाएं, स्वस्थ रहें।